खाएंगे। आप फिर आ गए? जी, अब जब तक आप हमारे मरीज को ठीक नहीं कर देते हम तो आते जाते रहेंगे। क्यों? वो बुजुर्ग खातून की कंडीशन बहुत बेहतर है, कल तक डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो ये बात आप इतने दुख से क्यों कह रहे हैं? आपको पता है मैंने क्या देखा? क्या देखा? मी बिल्कुल बाबा का हमशक्ल। ऐसे लग रहा था जैसे बाबा तस्वीर से निकल के मेरे सामने आ गए हैं। बाबा क्या कर रही हो? सारी मिट्टी मेरे मुंह में आ रही है। नाजुक मिजाज लोग ना यहाँ से तशरीफ ले जाएं, क्योंकि आज तो सारा दिन सफाइयां होंगी। लगी तो नहीं? नहीं, पर थैंक यू सो मच, तुमने मुझे बचा लिया। बहन जो बड़ी सीरियस सी हैं, जो चुप रहती हैं, जिनका उनके मियां के साथ जो बड़े बहुत बड़े जिम्मेदार भी हैं, वडेरे भी हैं, उनसे कुछ अनबन चल रही है, तो उनकी तलाक का कोई नौबत आई? जी मतलब उनका उनकी कोई कुला वगैरह का कोई चक्कर चला? मैं आज के बाद इस लड़की के साथ कहीं नहीं जाऊंगा। तो पागल है ये बिल्कुल। वहां मॉल में मुझे इत्तेफाकन मेरे दोस्त मिल गए, उनके सामने ये मेरे साथ ऐसे चिपक रही थी, मेरा और उसका कुछ सीन हो आपस में। नो जी, अम्मा जी, लड़का तो शर्मा रहा है, हमें लगा थका हुआ है। अगर तुम मुझे शामिल कर रहे हो तो मैं इस कहानी को एंड तक पहुंचाऊंगी, और अगर तो बेटा बीच में तुम डगमगा गए, डर गए, भाग गए, तो यही बहन तुम्हारी। हेलो सलाम गाइस, गाइस गाइस देयर आर गाइस, इस एपिसोड में मैं बिलाहर रानिया जो है हर रानिया और उसके कज़न के दरमियान में मोहब्बत की वापस शुरू हो जाएगी। उसी तरह उस जो उसका रानिया का मसाया है वो उसके मामूस ये समझेंगे कि शायद ये रानिया को पसंद करता है, लेकिन एक्चुअल वो रानिया की दूसरी कज़न लड़की को पसंद करता है। दूसरी तरफ जो हॉस्पिटल में जो डॉक्टर है, डॉक्टर और रानिया के दरमियान में मोहब्बत की मोहब्बत होना शुरू हो जाएगी, जिस पर हर शख्स औलाद की गुजार करेगा कि वो उसकी कज़न है, वो सिर्फ उससे बात करे। दूसरी तरफ रानिया जो है उसकी अपनी हरकतें जो है वो इस ड्रामे में अपने अरूज पर नजर आते आएंगी।